हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो बिहार आईटीआई की तरफ से जो फॉर्म निकल के आया हुआ है उसका फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में सबको बहुत ही दिक्कत हो रहा। तो ऑलरेडी मैंने लैपटॉप मतलब सिस्टम से आप किस तरह से अपलोड कर सकते हो ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, आप लोग मोबाइल से किस तरह से कर सकते हो साइज वो बताएंगे। तो पहले गाइडलाइंस आप लोग को समझ लेना चाहिए कि आप लोग का फोटो व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और फोटो में आप लोग का नाम होना चाहिए, इस तरह से पूरा नाम लिख देना है, और आप लोग वो फोटो कब खिंचवाए हैं उसका डेट मेंशन होना चाहिए, ये दो चीज़ फुलफिल होना चाहिए, और साइन ब्लैक या ब्लू किसी भी पेन से करोगे आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फोटो की साइज़ का बात करें तो 200x250 मतलब विड्थ आप लोग का 200 होना चाहिए और हाइट 250 होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। सेम टू सेम आप लोग का सिग्नेचर 300 होना चाहिए विड्थ और 100 होना चाहिए हाइट और 100 KB से कम होना चाहिए। सेम टू सेम आप लोग का सिग्नेचर दूसरा साइन हिंदी और इंग्लिश साइन लग रहा हो, सेम टू सेम 300 आप लोग का विड्थ होना चाहिए, हाइट 100 KB होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। ये आप लोग का गाइडलाइंस है, बस ये एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं मोबाइल से बता रहा हूँ, तो ये देखो देखो नाम और ये डेट ऑफ फोटो आप लोग को मोबाइल के मतलब किसी भी माध्यम से, जैसे कि फोटो लैब हो गया, पिकसार्ट हो गया, किसी माध्यम से ये कर लेना है। इस वीडियो में खाली बताएंगे आप लोग साइज किस तरह से कर सकते हो, ये दो चीज़ आप लोग को खुद से लिख लेना है। फिर भी कोई लिखने में आप लोग दिक्कत होता है, यदि सिस्टम है तो सिस्टम के माध्यम से आप लोग को बता चुके हैं हम किस तरह से लिखना है, तो वो आप लोग जाकर देख सकते हो। लेकिन मोबाइल के माध्यम से किस तरह से लिखना है आप लोग को, कोई नाम और डेट ऑफ फोटो लिखने में कोई दिक्कत होता है तो मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगा, यदि आप लोग कमेंट्स करते हो। इस वीडियो में खाली बताएंगे आप लोग साइज किस तरह से कर सकते हो। तो सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखो हम एक फोल्डर रखे हैं, बट आप लोग मोबाइल के माध्यम से बताएंगे। देखो ये जो ये देखो इस तरह से नाम और डेट ऑफ फोटो रखना, देखो ये वाला साइन, ये साइन और ये साइन, ये आप लोग को बताएंगे तीनों किस तरह साइज करके अपलोड करना है। और मैं मोबाइल के स्क्रीन में चलता हूँ और आप लोग को बताता हूँ, ठीक है, किस तरह से करना है आप लोग को। ठीक है, तो मैंने मोबाइल में ये तीनों फोटो ले चुके हैं और यही वाला साइज करके अपलोड करके भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मोबाइल के स्क्रीन में हम चलते हैं। मोबाइल से करने के लिए आप लोगों को क्या आना है, आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। ठीक है, आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद सिंपली आप लोग को लिख लेना है गूगल पे आके pdf.py7, ये वाला आप लोग को सिंपली लिख लेना है, देखो इस तरह का, और आपको सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करोगे इस तरह का आपको पहला साइट दिखेगा, सिंपली इंटर कर लेना है। जैसे इंटर करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप लोग का इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, मेरा लॉक होगा इसलिए दिख रहा है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे थ्री डॉट दिखेगा, सिंपली थ्री डॉट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपली देखो यहाँ पे ये देखो इस तरफ के आने के बाद ये थ्री डॉट आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये क्लिक करना है, करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना, देखो कंप्रेस इमेज, ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे आप लोग का तीन ऑप्शन और खुल जाएगा, तो आपको सिंपली देखो कंप्रेस इमेज 250 KB, ये ऑप्शन आप लोग को सेलेक्ट करना है। सिंपली ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का एरर दिखेगा, देखो इसके बाद इस तरह का दिखेगा, कुछ एरर दिखेगा तो आप लोग काट लेना, तो सिंपली सेलेक्ट इमेज दिखेगा। देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमको ये फोटो आप लोग को करके बताएंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट करते हैं और सिंपली हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले साइज तो समझ लेते हैं आप लोग को, जो साइज मैंने पहले आप लोग को बता दिया साइज क्या था आप लोग का, 200x250 होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। तो इस तरह का आने के बाद सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, एक बार रीसाइज पिक्सल, सिंपली ये ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद सिंपली इसको हटा देना है और जितना बोला गया है यहाँ आप लोग को लिख लेना है, 200x कितना बोला गया था 250 हाइट, देखो 200 बिट था हाइट 250 था, और सिंपली रिसाइज इमेज कर देना है। और 100 KB से कम बोला गया था तो साइज वाला मैटर पे 85 रहने देना है। ठीक है, और यहाँ जितना दिखेगा और साइज करके जब आएगा 3-4 KB कमेगा, सिंपली इसके बाद कंप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे देखो इस तरह का आ गया आप लोग का, देखो 48 KB आ चुका, डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आप लोग इस तरह का एरर आएगा तो आपको देखो इस तरह का काटने का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली ये काट दोगे आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। देखो डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड फाइल, तो डाउनलोड मेरा फोटो हो चुका है साइज। अब सेम टू सेम प्रोसेस करके आप लोगों को क्या करना है, सिग्नेचर भी करना है, सेम टू सेम करके आप लोगों को सिग्नेचर भी करना है। ठीक है, देखो ये ओपन, ये फोटो हो चुका है, आपको अपलोड करके भी बताएंगे अभी। अच्छा हट जाओ, हाँ हट चुका है, अब तो आपको सिग्नेचर भी करके बताते हैं। सेम टू सेम यहीं पे आना है आप लोगों को, ठीक है, ये वाला ऑप्शन पे आना है, ये कंप्रेस इमेज पे आना है, आपको सेम टू सेम सिग्नेचर कर लेना है आप लोग को। पहले हम हिंदी साइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से कर लेना है। के बाद सिंपली फिर से आप लोग को सिग्नेट, इसके बाद सिंपली सेलेक्ट कर लेना सिग्नेचर, तो यहाँ पर फिर से आना रिसाइज पिक्सल वाले ऑप्शन पे, सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसका ये देखो दोनों ही केस में ये टिक हटा देना, तभी आप लोग का होगा, उस केस में भी आप लोग को टिक हटा देना है। हटाने के बाद ये टिक ऑन टिक कर लेना है, और जितना बोला गया था, कितना बोला था 300x100, तो सिंपली आप लोग विड्थ में 300 और हाइट पे आप लोग कितना लिख लेना है, 100 लिख लेना है। 100 लिखने के बाद सिंपली आप लोग को ये ऑप्शन वाला जो होगा रिसाइज इमेज, ये वाला ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। इसका सिंपली यहाँ 50 KB ही रहने देना, जो कि आप लोग अगले बार बताए हम, और सिंपली कंप्रेस कर देना है। करने के बाद सिंपली देखो कंप्रेस करके आप लोग का आ चुका है 48 KB के करीब, अब सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आप लोग डाउनलोड हो चुका है, सेम टू सेम दोनों ही प्रोसेस करके हिंदी और जो आप लोग का इंग्लिश है वो भी कर लेना है, तो वो भी आप लोग का हम करके बता देते हैं। सिंपली इंग्लिश अब बच गया मेरा, ये वाला मेरा हो गया हिंदी, ये इंग्लिश वाला कर लेंगे। इसका सिंपली सेम टू सेम आपको रिसाइज पिक्सल वाला ऑप्शन पे आना है, ये हटा देना है, जितना बोला गया था आपको, कितना बोला गया था 300x100, तो सिंपली आपको 300x100 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और सिंपली आप लोग को रिसाइज कर देना है, 50 KB ही रहने देना और कंप्रेस कर देना है। सिंपली देखो हो चुका है, अब तीनों फोटो मेरा हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। देखो तीनों फोल्डर, देखो यहाँ पे जब जाएंगे हम, यहाँ हटाते इसको, तीनों मतलब मेरा, देखो यहाँ पे आप जब आएंगे देखो तीनों फोटो डाउनलोड फोल्डर में मुझे दिख जाएगा। देखो ये मेरा लास्ट में जो
तीन फोटो है, ये मेरा साइज किया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम ले लेते हैं कंप्यूटर में और आप लोगों को डायरेक्टली बताते हैं किस तरह से अपलोड, देखो इजीली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ में आ गया है, आप लोग को अपलोड करके भी दिखाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन में, ठीक है। तीनों फोटो को जो है हम क्या कर चुके हैं, मेल से हम लोग ले लिए हैं अपना सिस्टम पे। अब सिंपली देखो यहाँ पे चूज फाइल में जाएंगे हम, सिंपली वही फोटो देखो आप लोग डाउनलोड फोल्डर में है क्योंकि मैंने मेल से डाउनलोड कर चुके हैं। देखो ये वाला मेरा फोटो है, इसको सेलेक्ट करते हैं, जो अभी आप लोग मोबाइल साइज की वही वाला है, और सिंपली अपलोड करेंगे। देखो इजिली अपलोड हो जाएगा, देखो ये वाला अपलोड नहीं हो रहा क्योंकि ये मेरा क्या फॉर्मेट था, जेपीजी फॉर्मेट, वो मेरा क्या था पीएनजी फॉर्मेट होगा क्योंकि नेट से मैंने डाउनलोड किया। देखो सिग्नेचर मेरा अपलोड हो जाएगा, देखो सिग्नेचर करके दिखाते हैं आप लोग को, ये इंग्लिश सिग्नेचर है, आप लोग इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। क्यों अपलोड नहीं हुआ, साइज के कारण नहीं अपलोड हुआ, वो आप लोग का क्या नेट से मैंने डाउनलोड किया हुआ फोटो था और वो पीएनजी फॉर्मेट हो गया इसलिए अपलोड नहीं हुआ। देखो आप सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, देखो सिग्नेचर इजिली हो चुका है। और इस तरह से देखो आप लोग सेम टू सेम सेकंड सिग्नेचर जो आप लोग का होगा हिंदी वाला, इसको भी इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और सिंपली अपलोड कर देंगे। देखो इस तरह से हो चुका। अब फोटो भी अपलोड नहीं हो रहा, तो फोटो अपलोड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा पीएनजी फॉर्मेट था, नेट से डाउनलोड कर लिए थे हम, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पीएनजी टू जेपीजी, तो इसको कन्वर्ट इजिली कर लेते हैं हम लोग, सिंपल ये भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। देखो आपके सामने करते हैं हम पीएनजी वाले ऑप्शन पे, अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, साइज में कुछ इधर उधर नहीं करेंगे, सिंपली पीएनजी करेंगे, रॉन्ग पीएनजी फॉर्मेट, ये अच्छा ये साइड काम नहीं कर रहा, रुको इसमें इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये हो चुका है और सिंपली हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सिंपली कन्वर्टिंग हो रहा मेरा और सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं। देखो डाउनलोड हो चुका है, अब देखो ये वाला अपलोड करके दिखाते हैं। अब जो डाउनलोड हुआ मेरा, अब ये साइज मेरा कोई इधर इधर नहीं हुआ होगा, देखो साइज मेरा वही है, ठीक है, 200x250 था ना, हाँ वही है, साइज मेरा कोई इधर उधर नहीं हुआ, सिंपली ये इसको कर लिया हम और सिंपली अपलोड कर देते हैं। देखो अपलोड हो चुका है, तो इस तरह से आप लोग इजिली अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यही कारण किसी किसी का होता है कि उसका पीएनजी फॉर्मेट होता है, अपलोड नहीं होता है। यदि आपका भी ऐसा होता है कि मतलब क्यों होता है आप लोग का पीएनजी फॉर्मेट, आप लोग बताते हैं हम। देखो किसी क्या क्या कोई कोई क्या करता है कि उसका क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड बोला गया है, कोई कोई क्या करता है ब्लू बैकग्राउंड रहता है, और एक वेबसाइट का यूज़ करता है जिसका नाम है रिमूव बीजी, जो कि आप लोगों को पता है कि बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चाहे ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट हो जो कि मतलब क्या करता है बैकग्राउंड चेंज करता है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करता है सब, और इस तरह से आप लोग देखो इस तरह से आप लोग का कोई भी इमेज सेलेक्ट करता है, वो समझ लो कि यही इमेज लेते हैं, ये समझ लो कि ब्लू कलर का है, अच्छा समझ लो कि व्हाइट कलर व्हाइट ही है, ठीक है। हम इसको दूसरा कलर कर लेते हैं समझाने के लिए आप लोग को, इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं और सिंपली इसको कोई कलर देते हैं और डाउनलोड करते हैं, इस तरह से डाउनलोड करते हैं इसको। तो जब आप लोग रिमूव बीजी से करोगे आप लोग, तो ये जब डाउनलोड होगा, देखो ये जो डाउनलोड होगा तो ये कौन सा फॉर्मेट हो जाता है, ये पीएनजी फॉर्मेट हो जाता है, देख पा रहे हो आप लोग, पीएनजी फाइल बन जाता है। तो आप लोग को यदि ऐसा केस आप लोग का भी होता है बैकग्राउंड चेंज करके आप लोग कर रहे हो अपलोड करने, तो वो कभी नहीं अपलोड होगा। तो आप लोग साइज करके आप लोग सिंपली कन्वर्ट कर लेना, जैसे मैंने बताया ऑनलाइन वेबसाइट से पीएनजी टू जेपीजी करके, फिर वो अपलोड होगा। तो ये कारण भी होता है सबका कि नहीं अपलोड होता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आप लोग को एक एक डिटेल से। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कॉमेंट्स करोगे, कॉमेंट्स के माध्यम से आप लोग को बता देंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है इस तरह से वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।